अगर आप इन्फ्लुएंसर और रील क्रिएट करते हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल है आप सभी के लिए। जो रील क्रिएटर होते हैं उनके बीच ये काफ़ी डिस्कशन होता है, रील बोनस मिला, तुझे रील बोनस मिला, आपको रील बोनस नहीं मिला, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। वीडियो को पूरा देखना। रील बोनस ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे बोनस ऑप्शन लाना है, अगर नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर भी करना, ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट फोर्स में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में के छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, रील्स बोनस, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा रील बोनस पाने के लिए कैसे अप्लाई करना है, बोनस ऑप्शन कैसे लाना है, अगर आपको नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ये जान लीजिए रील बोनस पाने के लिए क्राइटेरिया क्या है। रेगुलर रील क्रिएट करते हो, बोनस कितना मिलेगा, $50 हो सकता है, $100 हो सकता है, $1000 भी हो सकता है। जो बड़े बड़े रील क्रिएटर हैं उन्हें $5000 तक का भी बोनस मिलता है, और आपका अकाउंट प्रोफेशनल या फिर पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, अगर पर्सनल अकाउंट होगा आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप इतना क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, एलिजिबल हो रील बोनस पाने के लिए, अभी आपको यहां पर ये चेक करना है आपका अकाउंट एलिजिबल है या फिर नहीं है। कैसे चेक करना है देखिए, तो ये वाले फ़ोन में सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन कीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए प्रोफाइल फोटो आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर यहाँ पर एक थ्री लाइन है, और ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एक ये क्रिएटर, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा यहाँ पर क्रिएटर या फिर बिजनेस देखने को मिलेगा, और यहाँ से क्रिएटर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है एड पेमेंट, ब्रांडेड कॉन्टेंट, बहुत सारे यहाँ पर एक ऑप्शन है, और नीचे यहाँ पर एक मोनिटाइजेशन स्टेटस, और यहाँ से मोनेटाइजेशन स्टेटस सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हो यहाँ पर देखिए यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यानी ये अकाउंट मेरा एलिजिबल है रील बोनस पाने के लिए। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, कैसे एलिजिबल करना है ये पहले जान लीजिए। जैसे आपने देखा ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, ठीक है, कैसे एलिजिबल होना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाले फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम ओपन करना है, ठीक है। अगर एलिजिबल नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एलिजिबल होना है, ठीक है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद नीचे ये प्रोफाइल फोटो आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके मन में जो भी सवाल है, डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस को रीड करने के लिए, रिप्लाई करूंगा, रिसॉल्व करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, ठीक है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेटिंग में आइए, और यहाँ पर नीचे आइए, नीचे ऑप्शन है अकाउंट, अकाउंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर नीचे देखिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यानी ये अकाउंट मेरा पर्सनल है, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अकाउंट मैंने पर्सनल किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये अकाउंट पर्सनल है, तो यहाँ से स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से पहले आपको प्रोफेशनल पब्लिक अकाउंट करना होगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, फिर से कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर देखिए सजेस्टेड आप आर्टिस्ट हो या फिर म्यूजिशियन हो या फिर ब्लॉगर हो या फिर क्लॉथिंग आपका है या फिर कम्युनिटी या फिर डिजिटल क्रिएटर हो, एजुकेशन हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर एडिटर हो, राइटर हो, पर्सनल ब्लॉग, गेमर हो, रेस्टोरेंट आप यूज चलाती हो या फिर फोटोग्राफर हो, शॉपिंग मॉल रिटेल वगैरह आपका है, वीडियो क्रिएटर हो, तो आप जो भी अपने नीच पे काम करते हो, जिस तरीके के कॉन्टेंट बनाते हो इंस्टाग्राम रील्स में, अगर आप यहाँ पर कॉमेडी वीडियो बनाते हो यहाँ पर वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप गेमिंग कंटेंट बनाते हो यहाँ पर गेमर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से करूँगा डिजिटल क्रिएटर, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करना है डिस्प्ले ऑन द प्रोफाइल, ये सेटिंग यहाँ से ऑन कीजिए ताकि डिस्प्ले करे आपकी प्रोफाइल में ये टैग, और यहाँ से करना है डन। जैसे यहाँ पर डन करोगे यहाँ पर ये 30 सेकंड लग सकता है, जैसे यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है इट टेक अप टू 30 सेकंड
फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्रिएटर और बिजनेस में से क्रिएटर सिलेक्ट करना है, बिजनेस सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप बिजनेस करती हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से क्रिएटर ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर करना है यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे यहाँ पर कर दीजिए स्किप, और यहाँ पर ये प्रोफाइल में प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ चुका है, यानी अभी प्रोफेशनल पब्लिक अकाउंट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर ये प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो चुका है। और ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है क्या, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देखकर आप यूज़ करना भी सीख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। ये स्विच हो चुका है प्रोफेशनल अकाउंट में, या भी चेक कर दें या मोनेटाइजेशन एलिजिबल हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। चेक करने के लिए फिर से आपको बैक यहाँ पर ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये क्रिएटर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मैं क्रिएटर सेलेक्ट करता हूँ, नीचे ऑप्शन है मोनेटाइजेशन स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यानी ये अकाउंट अभी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे एड पेमेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोनस ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, रियल बोनस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एड पेमेंट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एड बोनस यहाँ पर रियल बोनस ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कैसे रियल बोनस ऑप्शन लाना है अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा। पहले आपने सीखा कैसे मोनेटाइजेशन स्टेटस ऑन करना है, एलिजिबल होना है, ठीक है। सिंपल सा है, सबसे पहले आपको प्रोफेशनल या फिर पब्लिक अकाउंट में स्विच करना होगा। अगर पर्सनल अकाउंट है आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसे स्विच किया प्रोफेशनल अकाउंट में, और यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस यहाँ पर देखिए एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे आप चेक करोगे, देखिए यहाँ पर बोनस रील ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर बोनस रील ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे ऑप्शन लाना ये अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से बैक कीजिए और यहाँ से फिर से प्रोफाइल में आइए। प्रोफाइल में आने के बाद, ठीक है, यहाँ से प्रोफाइल में आइए और यहाँ से ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है हेल्प, और यहाँ से हेल्प सेलेक्ट करना है। हेल्प सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, अकाउंट स्टेटस, मोनेटाइजेशन हेल्प, हेल्प सेंटर। हमें मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मोनेटाइजेशन हेल्प यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट सपोर्ट, ब्रांडेड कंटेंट, डिजिटल, ठीक है, कलेक्टिविट, ठीक है। तो यहाँ सबको क्या करना है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर यह सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए डिजिटल कलेक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल कलेक्टिव बिल ये ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पर, जैसे मेरे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपका बोनस का ऑप्शन आ रहा होगा, इश्यू हो रहा है पे आउट में, अगर आपको बोनस ऑप्शन मिला है लेकिन पे आउट में इश्यू हो रहा है, यहाँ पर पे आउट आपको सिलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है, डिजिटल कलेक्टिव ये सिलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फंक्शनैलिटी या फिर बेजेस, ठीक है। रेगुलर नए नए अपडेट्स आते हैं और ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बेजेस या फिर बोनस या फिर ऑप्शन मिलेगा फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से डिजिटल ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले ये सिलेक्ट करना। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एड हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ये हो चुका है। फिर नीचे देखिए व्हाट इश्यू यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, आपको क्या इश्यू आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसे यहाँ से मैंने डिजिटल कलेक्टिविटी ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट किया। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हाट इश्यू यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हो। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है फंक्शनैलिटी जनरल फीडबैक, ठीक है, नीचे ऑप्शन है फंक्शनैलिटी, ये आपको सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर बेजेस या फिर बोनस ऑप्शन देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपसे कहा फंक्शन या फिर बेजेस या फिर बोनस ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं फंक्शनैलिटी ये सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है बेजेस और फंक्शनैलिटी का, ये सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से देखिए इन व्हिच एरिया इट हैपेंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कीजिए ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब द इशू, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आपको यहाँ से पेस्ट करना है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ। और यहाँ पर लिखिए हाई टीम इंस्टाग्राम, आई एम एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, आई क्रिएट रील्स एवरी डे, स्टिल आई हैव नॉट गॉट बोनस ऑप्शन अवेलेबल, एज सून पॉसिबल अवेलेबल, ठीक है, एज सून पॉसिबल फिक्स दिस प्रॉब्लम,
थैंक्स, ये आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए और यहां से कीजिए सिंपल नेक्स्ट। जैसा आप यहां से नेक्स्ट करके यहां से सबमिट करते हो, नेक्स्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। और यहां पर देखिए सपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट यहां पर देखिए जा चुका है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर मॉनिटेशन सपोर्ट, यहां पर देखिए आपको एक टिकट मिलेगा, ये देखिए यू सबमिट सपोर्ट रिक्वेस्ट रिगार्डिंग, ये देखिए फंक्शनैलिटी इशू इस तरीके से मिलेगा। और इसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके आपको एक अपडेट मिलेगा, फिर आप अपडेट कर लेना और आपके इंस्टाग्राम में बोनस ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर दिखा देता हूं, यहां से बैक करते हैं। जैसे आप यहां पर क्रिएटर में आओगे और यहां पर आपको बोनस ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप सारे स्टेप फॉलो करते हो 101% ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जरूर से पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।